हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपका शिक्षक दिवस था और इस शिक्षक दिवस पर हम आपको एक बात बताने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग को पीएमएम यानी पीएम और पीएमएम 2022 का काउंसलिंग के लिए, च्वाइस फिलिंग के लिए डेट आ गया है। वीडियो पूरा देखना है और एक एक बात अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को कैसे काउंसलिंग करवाना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कितना रैंक है तो काउंसलिंग करवाइएगा। वीडियो पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए, तो आप लोग का पीएमएम यानी पीएम और पीएमएम दोनों ध्यान से समझिएगा। जो स्टूडेंट 12th पर फॉर्म भरे थे, जो स्टूडेंट 12th पर फॉर्म भरे थे उनका पीएम था और जो 10th पर फॉर्म भरे थे उनका पीएमएम था। जी हाँ, पीएमएम था। पीएमएम में मात्र एक कोर्स आता है, ड्रेसर का। चलिए, तो आप लोग की काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाली, काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन वो 8 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, 8 सितंबर से च्वाइस फिलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 8 सितंबर से आप सबको कराना है। आप सभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, इसलिए कि अगर ना करवा पाते रजिस्ट्रेशन तो दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। दोबारा सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा फिर काउंसलिंग का, उसमें आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते रजिस्ट्रेशन के लिए। इसलिए जो भी स्टूडेंट है रजिस्ट्रेशन जिनको करवाना है, पीएम हो चाहे पीएमएम हो, सारे के सारे 8 तारीख से शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन और करवा लेंगे। रिजल्ट इसका दो गो आएगा, एक फर्स्ट राउंड रिजल्ट आएगा, एक सेकंड राउंड रिजल्ट आएगा। तो दोनों में देखिएगा कि आपका किस में हुआ, किस कॉलेज में। तो पहले बार समझ लीजिए, च्वाइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन। जब आप 10th पास किए थे, सुन लीजिए, जब आप 10th क्लास पास किए थे तो 10th क्लास पास करने के बाद 12th क्लास में जाने के लिए आपने एक काउंसलिंग करवाया था। यानी काउंसलिंग करवाने का मतलब हो गया कि आपने 5 गो या 10 गो इंटर आईएससी के लिए यानी ब्रह्मा के लिए 5 गो कॉलेज का नाम ऑनलाइन किया था। आपने किया था कि नहीं किया, और जिस कॉलेज से आपको मैसेज आ गया उस कॉलेज में आपको एडमिशन हुआ, हुआ कि नहीं। जिस सब्जेक्ट में आप लेना चाहते थे, बायोलॉजी, मैथ से, आर्ट से, वो उस टाइप से आपने कॉलेज का नाम दिया था, उसी को बोलते काउंसलिंग। और यहाँ पे भी आपको वही च्वाइस फिलिंग करना है कि च्वाइस फिलिंग में आपको कोर्स च्वाइस करना है और 10 गो कॉलेज का नाम चुनना है। जैसे आप एएनएम करना चाहते हैं तो एएनएम के लिए जब रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद च्वाइस फिलिंग होगा, तो उसी दिन च्वाइस फिलिंग होगा। तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन 8 तारीख को, उसी दिन च्वाइस फिलिंग कि आपको 10 गो कॉलेज का एएनएम का नाम देना। अगर एएनएम में लेना चाहते तो 10 एएनएम कॉलेज का आपको नाम जो है देना है, और एएनएम में एडमिशन लेना तो एएनएम कोर्स का वहां पे लिखना है, और वहां पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट की बात कर ले। अगर आपको मान लो कि आप डीएमएलटी चाहे जो भी कोर्स करना चाहते हो, सबका आपका कॉलेज 10 को देना है, ठीक है। अब कॉलेज का लिस्ट कहां से आएगा तो सुन लो, कॉलेज के लिस्ट के लिए हमारा एक नंबर यहां पे लिख देते हैं, 91 35 83 59 67। जी हाँ, 91 35 83 59 65 83 59 67। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना, इस नंबर पे चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, सबके लिए व्हाट्सएप करना। और यहाँ पे हम आपको पूरा पीएम हो चाहे पीएमएम हो, सारे कॉलेज का हम लिस्ट यहाँ पे आपको दे देंगे। आप अपना देखिए, अपना अगल बगल जिला में कौन कौन से कॉलेज पड़ता, पूरा लिस्ट हम दे देंगे। अगर हम इसके डॉक्यूमेंट की बात करें, अगर इसको डॉक्यूमेंट की बात कर ले, अगर हम इसके डॉक्यूमेंट की बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट जरूर सुनना है आपको क्या क्या लगेगा। तो देखो, डॉक्यूमेंट में आपको सर्वप्रथम जो लगेगा आपका एडमिट कार्ड, क्या लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा। जो दूसरे नंबर पे आपका जो लगेगा एडमिट कार्ड का फोटो रखना बहुत जरूरी है, ये एडमिशन के समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका रैंक कार्ड। अब ये कहेगा रैंक कार्ड क्या होता है सर, तो आपने बाबू रिजल्ट जो देखा, जो रिजल्ट शो किया, रैंक कितना रैंक आया वो वाला रैंक प्रिंट। फिर तीसरे नंबर पे आपका क्या होगा, तीसरे नंबर पे होगा
पार्ट ए, ध्यान समझना, पार्ट ए और पार्ट बी। जी हाँ बाबू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों के भुला गया है, ठीक है ना। पार्ट ए और पार्ट बी रिसीविंग। अब ये रिसीविंग क्या होता है, तो जब आप फॉर्म भरे थे ना पीएम हो चाहे पीएमएम का, तो उस समय दो गो रिसीविंग दिया था आपको, एक पार्ट ए दिया था एक पार्ट बी दिया था, वो वाला रिसीविंग खोज के रख लो, ठीक है, वो लगेगा। फिर आपका चौथे नंबर पे आता है आधार कार्ड। जी हाँ, चौथे नंबर पे आता है आपका आधार कार्ड। फिर पांचवें नंबर पे आता है आपका फोटो। जी हाँ, फोटो जरूर लगेगा, बिना फोटो को तो होगा नहीं एडमिशन, एकदम पक्का मान लो। और जो डॉक्यूमेंट यहाँ काउंसलिंग में लगेगा वो डॉक्यूमेंट एडमिशन में भी लगेगा, भुला गया तो गड़बड़ा गया। हाँ, ध्यान से समझना। चलो, और उसके बाद छठे नंबर पे आता है टेंथ और ट्वेल्थ का। जी हाँ, टेंथ और ट्वेल्थ का मार्कशीट लगेगा। जी, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, टेंथ और ट्वेल्थ का क्या लगेगा, मार्कशीट लगेगा। उसके बाद सातवें नंबर पे आता है आपका, सातवें नंबर पे क्या आता है सुन लो, कि अगर आप डीक्यू से हैं, ठीक है, आप डीक्यू मतलब डिसेबल कोटा, जो विकलांग स्टूडेंट जो नहीं उनके लिए, ये ऑप्शन नोट पॉइंट में मान लो, ये जो ऑप्शन है सातवां, ये नोट पॉइंट में ऑप्शन है। जी हाँ, ये नोट पॉइंट में, इसलिए कि जो विकलांग है उनके लिए, जो विकलांग है या एस एम क्यू में आते, जो सर्विस मैन कोटा, जो विकलांग आते हैं या जो सर्विस मैन कोटा, यानी जिनके पिताजी केंद्र सरकार का सैनिक है, चाहे देखो सुनो कौन केंद्र सरकार में कौन कौन आता है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इंडियन नेवी, फिर एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, ये सारा जो आते हैं बाबू, ये होता है एसएमक्यू, सर्विस मैन कोटा। तो जिनका सर्विस मैन कोटा में जो आते हैं जो स्टूडेंट, उनका सर्विस मैन कोटा का सर्टिफिकेट, उनका सर्टिफिकेट लगेगा, और डीक्यू का सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी लगेगा। अब काउंसलिंग कौन कौन कराएगा तो सुन लो, जिस स्टूडेंट का, इधर देख लो, जिस स्टूडेंट का रैंक की अगर बात कर ले, तो जिस स्टूडेंट का रैंक जो है, अगर चाहे किसी भी कैटेगरी से है, अगर 5000 से नीचे, जी हाँ, जिस स्टूडेंट का रैंक 5000 से नीचे आ रहा है, वो सारे के सारे स्टूडेंट काउंसलिंग करवाएंगे। जी हाँ, क्या करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। ये काउंसलिंग एक जनरल रैंक बता दिए, सुन लो पहले बढ़िया से, तुरंत उपजा जाएगा, पहले ध्यान से सुन लो, ये जनरल रैंक बता दी, इतना रैंक अगर नीचे है तो काउंसलिंग कराए, सीट मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, बीसी तक इतना जाओ, बीसी तक इतना जाओ, जो स्टूडेंट एससी में आते, फिर से एक अलग वीडियो इसका बताएंगे, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, उनका 8000 प्लस रैंक है तो गड़बड़ा जाए, 8000 से नीचे, 8000 से नीचे है तो काउंसलिंग करवाइएगा, एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये था, ठीक है, इसके इस पर रैंक पर हम अलग एक वीडियो बताएंगे आपको, ये क्या क्या करना है, कैसे किसको कितना पर उठाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।